हम इंडस्ट्री का यही नियम है। तो आपका प्रीमियम काम कौन करेगा? वो ठेले वाला जो पपीता बेचेगा, उसको क्या करना है, 500 रुपये रोज, उसके साथ में एक टैग लगाना है कि हमारा ये, उसको मीटिंग में बुलाओ, आपके जो FPC है उसकी मीटिंग में बुलाओ, आप चिन्हित करो कि ये 40 टन पर वीक बेचना है, तो कम से कम 40 ठेले वाले आपको चाहिए, उनकी मीटिंग बुलाओ, उनको 500 रुपये रोज का ऑफर दो, और फिर उनको बतलाओ कि ये हमारे पूरे 6 महीने में ये पपीता हमारा बेचने का गोल है, और ये बेचने के बाद जो अकाउंटिंग हमारा हिसाब होगा उसमें आपको बोनस देंगे। अभी ये क्या हुआ कि एक तो पर डे आपने उनको दे दिया, साथ में उनको आगे का ग्रोथ पाथ दिखा दिया कि आपकी ग्रोथ कहाँ है, कि 6 महीने बाद आपको हम इतना और देने वाले हैं इंसेंटिव। अभी किसी ठेले वाले के पास ऐसा कोई जाता ही नहीं करने के लिए। उस ठेले के नाप की, ये जैसे ठेला है, उस ठेले के नाप की कैनोपी बनाओ, आपका जो फार्मर प्रोड्यूस ग्रुप है, और आपको पपीता क्या करना है, रेसिड्यू फ्री बनाना है, हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खेत के अंदर ना जाए, जो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, ऑर्गेनिक कर ही रहे हो, उस कैनोपी पर फिक्स लिखाओ, शुद्ध पपाया रेसिड्यू फ्री, जो भी आपकी भाषा में, वहाँ कन्नड़ केरल भाषा में जो लिखना है, उसके 2-4 वीडियो मुझे भी दो, और आप भी वहाँ पर वायरल करो, ताकि डोर डिलीवरी तक वो वीडियो जाए कि अगर शुद्ध पपीता खाना है तो इसी ठेले पर मिलेगा, और मार्केट रेट में देना है, 1 रुपया ज्यादा नहीं लेना है। मार्केट में अगर 40 में बिक रहा है तो हमें भी 40 में देना है, मार्केट में अगर 60 में बिक रहा है तो हमें भी 60 में देना है। ऐसा नहीं कि हमने ऑर्गेनिक बना लिया तो मार्केट में 40 में बिक रहा है तो हम 100 में बेचेंगे, तो लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी, लेने वालों की संख्या फ्लो चाहिए हमें, क्योंकि आपकी मिडिल चेन गायब हो गई। तो मिडिल चेन गायब करी, उसी में आपको पैसा इतना बन गया कि आपको फिर रेट ज्यादा लेने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि किसान के पास 10 रुपये में जो चीज बिक रही है वो रेडी ठेले पर 40 में बिक रही है। तो आपने ये जो 30 रुपये की मिडिल चेन को गायब किया, तो रेडी ठेले वाले को 10 रुपये दिया और 10 रुपये आपने रखा, बीच का 20 रुपया बच रहा है, ये आपके FPC के माध्यम से वापस उन किसानों को बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा, अगर कैलकुलेट करेंगे, एक एकड़ में कितना बच जाता सर, एवरेज 1000 प्लांट बैठेंगे 1 एकड़ में, और मैंने बोला है कि 500 कटिंग पे आएंगे। मैंने क्या बोला है कि आधा नहीं आएगा, क्योंकि ये पपीता का ड्रॉबैक है, वो पूरा कटता नहीं है, वायरस आता ही है, तो मैं तो नेगेटिव मान के आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं। आपने FPO बनाया ना, तो इसको फ्रेमवर्क बना करके आगे बढ़ो, बहुत मजा आएगा। हटके सोच रहा था हम लोग, सोनिया मैंगो का इतना ज्यादा मैंगो आ रहा है हमको, तो वो मार्केट फिक्स कर रहा है कि मार्केट का मिडलमैन जो है उसका रेट फिक्स करेंगे, कि मैक्सिमम 20,000 पर टन ऐसा जा रहा है सर अपना मैंगो, तो हम सारे 200 मेंबर्स भी बैठ के सोच रहे थे कि एक फल यूनिट डाल दें, बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है, हर मेंबर लगा नहीं, नहीं तो आप क्या करो, साथ में पपाया, यानी कि अगर मैंगो का कर रहा है तो वो हार्डली 3 महीने का, और एक महीना जो है प्रोसेसिंग के लिए क्लीनिंग वगैरह जो है 4 महीना चला गया, बाकी 8 महीना खाली रहेगा, 8 महीने के लिए टोमेटो और ये पपाया उसका भी पल्पिंग करेंगे। ये बहुत सही सोच है, इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, फूड पार्क पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है जी। आप क्या कीजिए, फूड पार्क के बारे में कुछ जानकारी है आपको, है ना, फूड पार्क का आवेदन लगाओ, और आपके क्षेत्र में आप FPO के तहत फूड पार्क बनाओ, तो उसमें लगभग 50% गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कम से कम 30 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 200 एकड़ में बनेगा फूड पार्क, और जो जो आपके क्षेत्र की फसलें हैं उन फसलों को वैल्यू एडिशन करने के लिए ही फूड पार्क है, कि सारे किसान आकर के आपके FPO को माल देंगे और आपका FPO उस फूड पार्क में पल्पिंग करेगा, या उसका कटिंग करके फ्रीजिंग करके भी ऐसे देशों में भेजेगा जहाँ पर वो फ्रूट नहीं हो रहे हैं। भिंडी बहुत सारी जा रही है फ्रीजिंग करके, वो भी फ्रूट पार्क में आएगा, आपका पल्पिंग का काम भी फ्रूट पार्क में होगा, वैल्यू एडिशन करके आप उसको फ्रूट पार्क में अनेक चीज़ें बना सकते हैं, वो मैंगो का भी है और जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो कर सकते हैं।
बहुत अच्छी सोच है, इस पर जाना चाहिए। एक्चुअली पुना उसी कार्यक्रम से। हाँ हाँ उसी कार्यक्रम से। इनका एक फ्रेंड है सर, वो एस्टिमेट बनाया है, हाँ कैलकुलेशन पर आवर 20 टन पर आवर 10 टन। ओके दो ये जगह हम अभी छोटा लगाने का हमारा सब स्टार्टिंग बराबर ना, ना शुरुआत कीजिए, अच्छी चीज़ है, इस तरफ कदम बढ़ा रहे हो, ये भी अच्छी बात है। क्या हो रहा है कि कद्दू ये गोल वाला मीठा वाला कद्दू वो भी फसलें ज़्यादा आ जाता है, वो आने के बाद हमारे किसान कितना खा सकते हैं सर, घर के लिए जितना भी है, एक जिसमें डाली में एक कद्दू खा लिया तो भी उसका घर मोहल्ले में बांट दिया है, सब कुछ हो, यही तो चल रहा है, बिकता नहीं है, कोई भी किसान मार्केट में जाके नहीं बिका रहा है, घर का माल है भैया खा लो, यही चल रहा है अपना यहाँ। सही बात है। तो वो कद्दू भी इतना क्वांटिटी में आ रहा है हमारे यहाँ, तो उसको भी पल्पिंग में आ जाता है, बिल्कुल वो भी सॉफ्ट है, फाइबर है, तो वो भी पल्पिंग में आ रहा है। बराबर। तो वो यही सोच के ये चालू करने, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं ना, इनमें FPC कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फ्रूट पार्क, इनके सबके बारे में अच्छी चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें गलत है जो नहीं करना था, वो गड़बड़ है, लेकिन अपन राजनीति में जाके क्या करेंगे। लेकिन ये जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी गवर्नमेंट एक ने बोला है कि आप बनाइए, ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए। फूड पार्क जो बनना है वो हम किसान बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगले 5 साल में अगर जैसा मोदी जी ने कहा है कि 10,000 FPC उनको बनाना है पूरे भारत में, तो हम किसान जल्दी समझ जाए और बना ले वो भी अच्छा है। तो 10,000 FPC बनेंगे तो कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है इन अध्यादेशों का। नेगेटिव भी है, तो मेरा तो ये मानना है कि नेगेटिव को अवॉइड करो, क्योंकि ये राजनेता किसी की सुनने वाले हैं नहीं, जो इन्होंने साइन कर दिया वो तो हो गया, कितना आंदोलन करते रहो। लेकिन पॉजिटिव जो है उसको अडॉप्ट करो, और उससे हम हमारी सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, और नेगेटिव के लिए फाइट चालू रखो, अगर वो मान जाए तो ठीक है। पपीता का सर बीज किधर मिलता है, कौन सा महीने में डालना चाहिए? पपीता सबसे ज़्यादा जो चलता है वो 786 ताइवान रेड लेडी चलता है। कौन सा महीने में लगाना? आपके यहाँ तो 12 महीने लग जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट साल भर का अच्छा है आपके क्षेत्र का, दक्षिण भारत का। हमारे यहाँ अगर मध्य भारत की बात करें तो हमें केवल फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक ही लगाना चाहिए, बाकी हमारे यहाँ क्लाइमेट गड़बड़ है। मैं आपको नंबर मैसेज करता हूँ, इनका जो हेड ऑफिस है वो पूना में है, आप जा ही रहे हो तो लगे तो वहाँ पर मुलाकात कर लो, और आप गूगल पर डालोगे तो नोन्यू कंपनी का है, नोन्यू सीड्स, ऑल इंडिया में वही सप्लाई करते हैं, उन्हीं का ब्रांड नेम है ये 786 रेड लेडी ताइवान, नोन्यू। ताइवान रेड लेडी क्या सर? वो पपाया, इसका छिलका मोटा आता है, लंबी दूर ट्रेवल करने के लिए अच्छा है ये। हमारे पास ताइवान गोवा है, वो अलग ब्रांड है। एक इन्होंने अभी एंटीवायरल के नाम से निकाला है रेड बेबी, ये पुराना जो था रेड लेडी था, एक इन्होंने और निकाला है रेड बेबी, वो आप पुणे में उनके ऑफिस में संपर्क करोगे तो मिल जाएगा। मैं व्हाट्सएप करता हूँ भैया, देखता हूँ अगर मिल गया मुझे तत्काल तो। विनय शिंदे, इनका नंबर है 90119 75 7577। विनय शिंदे पुणे।
नैनो 786 हाँ नो न्यू नो न्यू वो भी इन्हें लगाने का सोच रहे सर एक एकड़। हाँ बिल्कुल प्लान करो, अच्छी चीज है। पपीता को आप डायरेक्ट रिटेल कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। डायरेक्ट रिटेल में पपीता सबसे सेफ है, कुछ उसमें पकाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट लगेगा नहीं। खेत में पकाओ और सीधे ठेले पर रिटेल कर दो, कुछ एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते, राम राम। आप भूपेंद्र सोनी जी हैं जो एमपी टेरिटरी देख रहे हैं किसान पाठशाला और बीज किसान के साथ में। आप जयंती काका हैं जो गुजरात से हैं और बीज किसान प्रतिनिधि हैं गुजरात में। आप मध्य भारत के लिए हैं, आप पश्चिम भारत के लिए हैं और गणेश किसान जो हैं आप दक्षिण भारत के लिए। अपना गणेश, हाँ आपका गणेश। गणेश बहुत है आपके दक्षिण भारत में, बहुत है ना? मानते भी बहुत है। उपेन भाई ये सारे मित्र कर्नाटक से आए हैं और कल से हैं साथ में। ये केवल 70-30 फार्मिंग देखने के लिए आए हैं और सोहन भाई का खेत देखना था इनको। कल नाइट में गए थे वहाँ पर, गाड़ियों के लाइट से फिर अंदर गए थे। अभी तो क्या है, बिखरा हुआ है ये जो बड़वानी है। यहाँ पर आपने देखा होगा केला नज़दीक नज़दीक नहीं है, गन्ना मिर्च टमाटर पपीता ऐसा सब बिक रहा है। ऊना शायद 450-450 होगा ना ऐसा। होटल से चेकआउट कर लिया आपने? यहाँ से जो अंजड़ से आप इधर आए ना, तो अंजड़ तक वापस जाना है। जो होटल फल आ रहा है उसके लिए एक तो आप क्या करो, 98 नंबर का वीडियो देख लो, 98 बंच मैनेजमेंट किसान पाठशाला पे, तो वो पूरा दे रखा है। अब उसको जैसे ही फल बाहर आ रहा है उस समय एक स्प्रे करना है नीम तेल और वाइसेनोमेटा का, फिर हर 7 दिन में अल्टरनेट स्प्रे करना है। जैसे फल बाहर आया उस समय नीम तेल और वाइसेनोमेटा, नीम तेल 10,000 ppm का लेना है, 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है और वाइसेनोमेटा 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। अगर हमें लग रहा है कि हवा में ज़्यादा नमी है तो कुछ एकाध फफूंदी नाशक भी ले सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ग्राम प्रमाण से। तो जैसे ही फल निकल के बाहर आया और उसकी पत्ती खिलना चालू हुई उसी समय पहला स्प्रे चाहिए। अभी वो बंच नीचे नहीं लटका है, केवल उसकी चोंच निकली है, उसी समय स्प्रे दो ताकि वहाँ पर डॉट नहीं बनेंगे। फिर जब 7 दिन के बाद वो नीचे आ जाएगा और उसके पत्ते खिल जाएंगे और वो कर्व लेना चालू होगा, केला ऊपर बढ़ना चालू होगा, उस समय मतलब आपको हर 7 दिन में एक स्प्रे लेना है। सरल भाषा में अभी हमने एक बार नीम तेल लिया, एक बार स्पिनोसेट डव एग्रो का आता है स्पिन टॉर के नाम से, 1 लीटर पानी में 0.5 ml, और रिपीट हम अगर वाइसेनोमेटा ले रहे हैं सुक्रोज तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिक्स करके एक साथ में। एक बार नीम तेल लिया और सुक्रोज लिया, एक बार स्पिनोसेट और सुक्रोज लिया अल्टरनेट। कीट पतंग को भगाने के लिए आता है, डव एग्रो कंपनी का आएगा। तो आज जो फ्लावर निकला इसको 4 स्प्रे कम से कम जाना चाहिए, निकलते समय, निकलने के बाद, टर्न लेने के बाद, टर्न लेने के फिर हार्डनिंग होने समय, मतलब हर 7-7 दिन में। तो फ्लावरिंग निकलने से लेकर 4 स्प्रे मतलब 1 महीना, उसके बाद में नहीं भी लिया तो चलेगा, लेकिन फ्लावरिंग निकलते समय लेना अति आवश्यक है। किसान क्या करता है, पूरा फ्लावरिंग आ गया उसका कमल तोड़ दिया, वो टर्न हो गया, उसके बाद जब दाग दिख रहा है अब स्प्रे लेंगे, तो वो कुछ काम का नहीं है, अब केवल पैसे की बर्बादी है। यूपी वाला जो था वो एक कीड़ा आता है बीटल करके, वो उसका छिलके को टच कर लेता है, फिर जब वो
केला मेच्योर्ड होता है, बड़ा होता है, तो वो दाग बढ़ जाता है। सर मैंगो का फ्लावरिंग जो आता है एकदम पावरफुल आता है लेकिन बहुत सड़ जाता है, इसके ड्रॉपिंग होता है। एक्चुअली मैंगो में मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन एक सरल भाषा में जो मैंने एग्रीकल्चर को समझा है, नेचर क्या करता है, उसने जितना भोजन स्टोर किया है या उसने जितना भोजन लेने की कैपेबिलिटी है, अभी उसका जो ओरा मंडल था उसने उतना फ्लावरिंग दिया, लेकिन उसके अंदर जितना स्टोरेज है उतने को पकड़ के रखेगा, बाकी ऑटोमेशन में ड्रॉप होगा। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहा है तो दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो उसकी जड़ों का प्रबंधन सही नहीं है, व्हाइट रूट भोजन ज़्यादा ले नहीं पा रही है या हम दे नहीं पा रहे हैं, एक सबसे पहला कारण। दूसरा, वहाँ पर फंगल या थ्रिप्स माइट्स का अटैक है, जो फ्लावरिंग जहाँ पर है उस फ्लावरिंग के डॉट पर। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, आपके क्षेत्र में मधुमक्खी कम होगी, पोलिनेशन सही से नहीं हो रहा होगा। पोलिनेशन परागीकरण, ये दो तीन चीज़ें ऐसी है कि जिनको अगर हमने पकड़ा तो जो फ्लावरिंग है उसको सेटिंग ज़्यादा करवा सकते हैं। मिस्ट भी इफेक्ट करता होगा सर, जो सुबह में शबनम जो कि बिल्कुल करते हैं वो इसलिए इफेक्ट करता है कि मैंने बोला कि वहाँ पर अगर कुछ कीट पतंग है, थ्रिप्स या माइट्स है, तो उसने जहाँ छिलके को खा लिया, अब जो ओस गिर रहा है, जो शबनम आप बोल रहे हो, पानी की बूंदें, वहाँ पर आने के बाद वो फंगल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मेरी उंगली कट गई, थोड़ा छिलका आ गया, अब यहाँ पर नमी आ गई, तो ये फंगस में हो जाएगा, तो ये ड्रॉप हो गया। अगर वहाँ पर कीट पतंग माइट्स नहीं है तो उस चमड़ी को कोई स्क्रैच मारने वाला नहीं है, तो वो पानी ओस की बूंद उसको अच्छी चमड़ी को कुछ नुकसान नहीं करेगी। अगर वो छिला हुआ है तो फंगस आएगी, तो ड्रॉपिंग होगा। सुक्रोज चलेगा, लेकिन हमें पहले माइट थ्रिप्स अगर है तो उसको भगाना पड़ेगा, तो नीम तेल लेना पड़ेगा या स्पिनोसाइड लेना पड़ेगा। नीम तेल अलग हो गया, स्पिनोसाइड अलग हो गया, या तो ये या ये। नीम तेल से भी वो जगह में कड़वाहन आएगी और वो माइट थ्रिप्स वहाँ से भगेगा। 10,000 PPM, 1 लीटर पानी 1 ml वो डाल को मार छोड़ने का स्प्रे, बाद में ये सुक्रोज भी मारे तो चलते उसके साथ में ले सकते हैं। उसमें साथ में कितना ml का? 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। आपने ले लिया क्या गणेश जी, लेके आए थे कुछ? नहीं लिया नहीं सर, अभी नहीं लिया। गणेश भाई इनको कुछ मटेरियल लग रहा हो, वो भी अवेलेबल करा दो।